बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा से जुड़ी हुई, जहां पर आसिफ खान ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ओखला विधानसभा चुनाव से नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया है। ओखला विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मैंने बहुत सोच विचार किया और CA NRC के खिलाफ चल रहे आंदोलन को मजबूती से सपोर्ट करूंगा, फैसला वापस नहीं लेने तक लड़ाई जारी रहेगी। आसिफ खान पहले कांग्रेस में थे, टिकट नहीं मिलने से नाराज थे और उसके बाद में निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन अब उन्होंने आज अपना नामांकन वापस ले लिया है। ओखला विधानसभा सीट से निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ने जा रहे थे और जिस तरीके से CA NRC को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि मैंने बहुत सोच विचार किया और अब इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि मजबूती से इस आंदोलन का हिस्सा बनूंगा। तरुण कालरा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। तरुण, CA और NRC को उन्होंने रीजन बताया है अपना नामांकन वापस लेने के लिए। देखिए, जाहिर तौर पर ओखला विधानसभा सीट के ऊपर ये एक सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। शाहीन बाग में जो धरना जारी है वो सिर्फ राष्ट्रीय समाचार पत्रों में हेडलाइंस नहीं ले रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे की चर्चा हो रही है कि इतने लंबे वक्त तक महिलाएं धरने पर डटी हुई हैं। लिहाजा कम से कम ओखला सीट के ऊपर CAA एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। लेकिन आसिफ मोहम्मद खान, चूंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और परवेज हाशमी को अपना उम्मीदवार बनाया था, तो उन्होंने निर्दलीय अपना पर्चा दाखिल किया था, जिससे कि कांग्रेस के वोट बैंक में डेंट हो सकता था और स्प्लिट होने के कारण वोट बैंक, चूंकि आसिफ भी कद्दावर नेता है, वहां पे पूर्व विधायक रह चुके हैं, परवेज हाशमी भी वहां से विधायक रह चुके हैं और सांसद भी रह चुके हैं राज्यसभा के, लिहाजा आसिफ के खड़े होने से इस बात का खतरा मंडरा रहा था कि जो माइनॉरिटी का वोट बैंक था वो तीन तरफ बढ़ सकता था, अमानतुल्ला खान, आसिफ मोहम्मद खान और परवेज हाशमी के बीच में। ऐसे में आसिफ मोहम्मद के अपना कैंडिडेचर विड्रॉल करने के बाद अब इसकी आशंका कम लग रही है। अब हो सकता है कि अगर वहां पर एक तरफा वोट माइनॉरिटी का किसी भी व्यक्ति को पड़ा, उम्मीदवार को पड़ा, तो वो सीट निकालने में कामयाब हो सकता है। यही कारण है कि अब ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और दिल्ली का चुनाव भी इससे अछूता नहीं है। इससे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी अब CA और NRC के मुद्दे पर अपनी लाइन को थोड़ी टो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा नरम रुख अख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो ना जामिया की हिंसा पर, ना JNU कांड के ऊपर और ना ही NRC और CA के मुद्दे के ऊपर मुखर विरोध अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से कभी किया गया। अब अरविंद केजरीवाल को भी लगने लगा है, आम आदमी पार्टी को भी लगने लगा है कि कांग्रेस पार्टी इसका राजनीतिक फायदा उठा सकती है, इसलिए समय आ गया है कि माइनॉरिटीज को ये मैसेज दिया जाए कि CA के ऊपर उनकी पार्टी भी कड़ा स्टैंड BJP के खिलाफ ले रही है। लिहाजा अब ये मुद्दा ऐसा बन गया है जो दिल्ली चुनाव के ऊपर भी काफी प्रभाव डालेगा। तरुण, लेकिन अगर ये रीजन दिया गया है आसिफ खान की ओर से कि वो CA और NRC के आंदोलन को सपोर्ट करेंगे, मुखरता से आगे रहेंगे, तो ये तो अगर वो उम्मीदवार के तौर पर उतरते और चुनाव जीत जाते, उसके बाद में जब वो विधानसभा पहुंचते ये तो वो वहां भी कर सकते थे। ये रीजन जरा समझ नहीं आया उनका जो उन्होंने रीजन दिया है। लेकिन रीजन देखिए, स्पष्ट तौर पर तो नहीं बताया जाता कि जो उनका गुस्सा था वो शांत हो गया है, परवेज हाशमी उन्हें मनाने में कामयाब हो गए हैं। अब ये तो वो लिखते हैं तो उनके जो फॉलोवर हैं वो कहते हैं कि हमारा नेता ही जब पीछे हट गया तो इनको फॉलो करने का क्या कारण, अब परवेज हाशमी को ही फॉलो किया जाए जो कि घोषित उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी के। इसीलिए ऐसी एक लाइन लेने की कोशिश की जाती है नेताओं की तरफ से, जिस मुद्दे के ऊपर अपने समर्थकों को भी मनाया जा सके कि ये एक बड़ा मुद्दा है जिसके कारण मैं अब चुनाव को पीछे छोड़ रहा हूँ, अपनी राजनीति को पीछे छोड़ रहा हूँ और माइनॉरिटीज के साथ जुड़े सबसे बड़े मुद्दे के साथ लड़ाई करने के लिए मैं इस मुद्दे के साथ जुड़ा रहूंगा। तो ये एक पॉलिटिकल स्टैंड होता है। स्पष्ट तौर पर अगर वो कहेंगे कि नहीं, इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है मेरे कैंडिडेट विड्रॉल ना करने से और इससे BJP को फायदा हो सकता है, तो ये एक उनके फॉलोअर के अंदर भी शायद गलत मैसेज देता। लिहाजा उन्होंने एक न्यूट्रल लाइन दी है, मुद्दे को ज्यादा बड़ा करार दिया है जो एक नेता के तौर पर करना लाजमी भी था। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।